नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल हेल्पर, DFCCIL, दिल्ली मेट्रो आदि सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा पूर्ण उपकरण है बताएं। इनमें से कौन है जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है बताएं। ऑप्शन नंबर एक एमीटर, ऑप्शन नंबर दो वाट मीटर, ऑप्शन नंबर तीन ऊर्जा मीटर, ऑप्शन नंबर चार टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बताएं। पूर्ण उपकरण कौन से होते हैं? वह उपकरण होते हैं जिनको किसी अन्य उपकरण के साथ तुलना की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार के उपकरण कौन सा है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर चार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के अलावा कोई एक और अन्य पूर्ण उपकरण का एग्जाम्पल आप बता सकते हो तो जल्दी से बताएं। तो इसके दो एग्जाम्पल और ध्यान रखिएगा, रेले धारा संतुलन और परिशुद्ध विद्युत मीटर। ये दोनों भी एब्सोल्यूट मेजर इंस्ट्रूमेंट के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के साथ साथ ये दो भी कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दो नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध खालिस्तान का उपयोग करके मापा जा सकता है बताएं। ऑप्शन नंबर एक वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर दो वाट मीटर, ऑप्शन नंबर तीन एमीटर, ऑप्शन चार ओम मीटर। तो वोल्ट मीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? वोल्टेज मापा जाता है। वाट मीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? वाट मीटर की सहायता से प्रतिपथ की पावर मापी जाती है। एमीटर से धारा और ओम मीटर से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन, आपके घर में विद्युतीय ऊर्जा के माप के लिए स्थापित मीटर खालिस्तान का उदाहरण है बताएं। वह किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो आपके घर पे, KWH मीटर अर्थात एनर्जी मीटर जो लगा है घर पे, वह किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन नंबर एक संकेतक प्रकार का उपकरण, ऑप्शन नंबर दो रिकॉर्डिंग प्रकार का उपकरण, ऑप्शन नंबर तीन एकीकरण प्रकार का उपकरण, ऑप्शन नंबर चार संकेतक तथा रिकॉर्डिंग प्रकार का उपकरण बताएं। तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तीन नंबर क्वेश्चन आज मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए ये तीन नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चार नंबर क्वेश्चन, एक एमीटर में संट का उद्देश्य क्या होता है बताएं। एक एमीटर में संट का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक धारा को बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर दो एमीटर के प्रतिरोध को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर तीन एमीटर की संवेदनशीलता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर चार एमीटर की संवेदनशीलता को कम करना बताएं। एक एमीटर में जो शंट लगाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? धारा को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ध्यान रखें रोजाना अपन इस टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हो तो जल्दी से स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोजाना शाम इसी टाइम अपनी तैयारी चेक करने के लिए हमारे साथ ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट पांच नंबर क्वेश्चन, परीक्षण के तहत परिपथ पर वोल्ट मीटर के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर एक गुणक प्रतिरोध को कम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर दो एक उच्च आंतरिक प्रतिरोध वाले एक उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीन एक शंट प्रतिरोध का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर चार दृष्टकारी के साथ एक एसी मीटर का उपयोग करना चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, पांच नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? परीक्षण के तहत परिपथ पर
वोल्टमीटर के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक उच्च आंतरिक प्रतिरोध वाले एक उपकरण का उपयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर दो इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन। केल्विन ब्रिज, जो केल्विन ब्रिज है उसका प्रयोग खालिस्तान के मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक धारा, ऑप्शन नंबर दो धारिता, ऑप्शन नंबर तीन प्रेरकत्व, ऑप्शन नंबर चार निम्न प्रतिरोध। बताएं, केल्विन ब्रिज का प्रयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है केल्विन ब्रिज का उपयोग? निम्न प्रतिरोध मापने के लिए अपन क्या करते हैं? केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार। मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए अपन किस उपकरण का यूज करते हैं? साथ में आप यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो ध्यान रखें, मध्यम प्रतिरोध अपन किससे मापते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापते हैं। निम्न प्रतिरोध केल्विन ब्रिज से मापते हैं। और उच्च प्रतिरोध किससे मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध आवेश विधि का, आवेश विधि या मेगर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मापन उपकरण एक संकेतक उपकरण है? बताएं, ऑप्शन नंबर एक रीड प्रकार का आवर्तमापी, ऑप्शन नंबर दो ऊर्जा मापी, ऑप्शन नंबर तीन धारा मापी, ऑप्शन नंबर चार तापमान मापन उपकरण। बताएं, इनमें से कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ इंडक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात संकेतक प्रकार का उपकरण है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इनमें से संकेतक प्रकार का उपकरण कौन सा है? तो संकेतक प्रकार का उपकरण कौन होता है? विद्युत धारा के परिणाम को जो इंकित करता है, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसमें से? धारा मापी। ऑप्शन नंबर तीन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मापन परीक्षण एक मल्टीमीटर के साथ नहीं किया जा सकता? बताएं, इनमें से कौन सा परीक्षण है जो एक मल्टीमीटर के साथ नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर एक, एक विद्युतीय परिपथ द्वारा खींची गई धारा। ऑप्शन नंबर दो, डीसी मोटर की आपूर्ति वोल्टेज। ऑप्शन नंबर तीन, मोटर कुंडली का निरंतरता परीक्षण। और ऑप्शन नंबर चार, मोटर का प्रतिरोध, रोधन प्रतिरोध अर्थात इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इनमें से कौन है, कौन सा आंसर सही होगा जो अपन क्या नहीं कर सकते? मल्टीमीटर की सहायता से नहीं माप सकते। तो मल्टीमीटर की सहायता से अपन क्या नहीं माप सकते? मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं माप सकते। वह किसकी सहायता से मापा जाता है? मेगर की सहायता से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक चल कुंडल उपकरण में अवमंदक बल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? बताएं, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डैम्पिंग टोरक किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक वायु घर्षण, ऑप्शन नंबर दो भंवर धारा, ऑप्शन नंबर तीन गुरुत्व घर्षण, ऑप्शन नंबर चार द्रव घर्षण। बताएं, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है उसमें डैम्पिंग टोरक किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो डैम्पिंग टोरक टोटल कितने तरीके से उत्पन्न किए जाते हैं? एक तो वायु घर्षण, दूसरा तरल घर्षण और तीसरा एडी करंट डैम्पिंग। तीन प्रकार की डैम्पिंग होती है, एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। अपने को किस में पूछी है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार की डैम्पिंग यूज की जाती है? तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर दो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो एयर डैम्पिंग होती है, एयर डैम्पिंग किस में यूज की जाती है? एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है, या इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें क्या की जाती है? एयर टाइप डैम्पिंग यूज की जाती है। और फ्लूड अर्थात तरल प्रकार की डैम्पिंग किस में यूज की जाती है? वैद्युत स्थैतिक ESV जो वोल्टमीटर होता है उसके अंदर, याद रखिएगा ESV, वैद्युत स्थैतिक वोल्टमीटर, ESV वोल्टमीटर में क्या की जाती है? द्रव घर्षण डैम्पिंग यूज की जाती है।
और एडी करंट डैम्पिंग अभी अपने डिस्कस कर ली, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है, और विद्युत चुंबक की डैम्पिंग भी होती है, वह किस में यूज की जाती है? विद्युत चुंबक अवमंदक अर्थात विद्युत चुंबक की डैम्पिंग किस में यूज की जाती है? फ्लक्स मीटर में यूज की जाती है। याद रखिएगा, फ्लक्स मीटर में किस प्रकार की डैम्पिंग होती है? विद्युत चुंबक अवमंदक प्रकार की डैम्पिंग होती है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन। स्विच एस बंद है तो एमीटर रीडिंग क्या होगी? बताएं, ये जो स्विच एस है ये बंद होगा, उस कंडीशन में एमीटर की रीडिंग क्या होगी? बताएं, ऑप्शन नंबर एक मूल मान के आधा बन जाता है। चलो ऑप्शन तो बाद में देख लेंगे, काफी जी क्वेश्चन है, बताएं काफी जी न्यूमेरिकल है। स्विच एस जैसे ही बंद करेंगे क्या होगा? एक व्हाइट स्टोन बन जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा? जो पहले करंट थी वही करंट अब होगी। ये स्विच ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा? एक व्हाइट स्टोन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान रहता है ऑप्शन नंबर दो, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन कमेंट करने के लिए दिया है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल दोबारा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल दोबारा। जय हिंद, जय भारत।